गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है खनिज व ऊर्जा संसाधन का। तो हमने बात की कि प्रमुख रूप से जो लोह खनिज है वो भारत में कौन कौन से प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और उनका कौन कौन सा क्षेत्र है, वहाँ पे कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें लोहांश की मात्रा कितनी होती है, उसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया। अब बात करेंगे हमें इसके साथ में कि लोहे का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अधिक होता है, कौन कौन से वहाँ प्रमुख रूप से खाने हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे शोधन कार्य यानी लोहे को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है, और इस लोहे को जितनी आवश्यकता है वो तो अपने यहाँ अपने ही देश में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जो शेष लोहा है, शुद्ध लोहा है, वो अपने पास बच जाता है, उस लोहे का बाद में क्या किया जाता है, क्या अपने देश में ही रखा जाता है या उसको दूसरे देश में क्या है कि निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात का मतलब ये होता है कि जो चीज़ अपने पास अधिक है उसको अपने पास रखने के बजाय उसका दूसरे स्थान पे क्या कर देना, निर्यात कर देना, ताकि क्या है उससे आर्थिक रूप से अपने देश को लाभ मिले, और आर्थिक लाभ मिलने का कारण क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। तो जो लोहा शेष बच जाता है उसको अन्य देशों में निर्यात कर दिया जाता है। बात आती है साथ में तांबे से संबंधित भी, तांबे का उपयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे इससे संबंधित कार्य किया जाता है, और इस दृष्टि से क्या है, तांबे की दृष्टि से, लोहे की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है, इसके बारे में अपन प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रमुख रूप से जो लोह है अयस्क है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा लोह अयस्क पाया जाता है, इसके आधार पर चर्चा प्रमुख रूप से करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भारत के जो प्रमुख खनिज है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, लोह अयस्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लोह अयस्क की। हरियाणा इसमें प्रमुख रूप से भारत में कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार हैं। कई बार ये बात आती है कि भारत में कितने टन लोहे के भंडार है वो भारत में है, तो 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है, और कम से कम जो 2300 करोड़ है ये आर्थिक रूप से इससे जुड़ा हुआ है। बात आती है कि विश्व के जो कुल भंडार है लोहे ऐसे की दृष्टि से उसका भारत का कितना प्रतिशत योगदान विश्व में रहता है, तो ध्यान रखना भारत का विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो 20% जो योगदान है वो लोहे अयस्क की दृष्टि से भारत का विश्व में रहता है। तो एक प्रकार से 1/5 भाग है लोहे का वो भारत का ही लोहा होता है, जो अन्य देशों में अन्य स्थानों में आवश्यकता के आधार पर भेजा जाता है, और भारत का लोहा है वो उच्च दृष्टि से, उच्च क्वालिटी की दृष्टि से बहुत ही उच्चतम व श्रेष्ठ लोहा माना जाता है। बात आती है कि लोह अयस्क के भारत में प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जहाँ अच्छे लोहे की मात्रा प्राप्त होती है, अच्छी किस्म का लोहा प्राप्त होता है, और वहाँ पे क्या शोधन कार्य भी किया जाता है, वहाँ से अन्य राज्यों में अन्य देशों में क्या है कि उसका निर्यात भी किया जाता है। तो प्रमुख राज्य प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, ध्यान रखना उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गोवा, ये तो चार राज्य हैं ये लोहे उत्पादन दृष्टि से प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके अलावा और भी राज्य हैं लेकिन उनका क्या है कि कम महत्व है, कम योगदान रहने के कारण क्या है कि उनके नाम नहीं आते, पर उनसे इन चार राज्यों के नाम है वो लोहे उत्पादन दृष्टि से बताए गए हैं। बात आती है लोहे ऐसे दृष्टि से हम इन चार राज्यों के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि इनमें कौन कौन से स्थानों पे, कौन कौन से क्षेत्रों को किस प्रकार से लोहे की मात्रा किस प्रकार से पाई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करें सबसे पहले उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य है उसमें कितने प्रतिशत है वो अपने देश में लोहे अयस्क की दृष्टि से भारत में योगदान देता है। तो ध्यान रखना कि भारत में जो योगदान है लोहे का उसका जो कुल भाग है देश के उत्पादन का जो 22% भाग है वो उड़ीसा से प्राप्त होता है, उड़ीसा के स्थानों से हमें प्राप्त होता है कुल देश के लोहे अयस्क की मात्रा का। बात आती है कि प्रमुख रूप से उड़ीसा में कौन से भंडार पाए जाते हैं, हमने लोहे की किस्म की चार प्रकार के किस्मों की चर्चा की थी, उसमें से कौन सा लोह अयस्क है वो उड़ीसा राज्य में प्रमुखतः पाया जाता है। अगर प्रमुखतः जो लोह अयस्क पाया जाता है वो है हेमेटाइट लोह अयस्क, कौन सा है, हेमेटाइट लोह अयस्क है वो उड़ीसा में प्रमुख रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात आती है कि उड़ीसा में प्रमुख जो राज्य है हेमेटाइट के लोह अयस्क के, ये प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जहाँ ये हमें है लोह अयस्क प्रमुख रूप से प्राप्त होता है, प्रमुख रूप से मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुर और क्यूजर है, ये उड़ीसा के जो जिले हैं वहां से हमें प्रमुख रूप से क्या है कि हेमेटाइट किस्म का लोह ऐसे प्रमुख रूप से मिलता है हमें। बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बंदरगाह है जो स्थान है जिनके माध्यम से दूसरे देशों में
क्या है, इस लौह अयस्क को अन्य स्थान पर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर पहुंचाया जाता है। जो अपने पास लौह अयस्क अधिक होता है और जो अपने शेष जो बचा अपन उसका क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, और जो अपन को आवश्यकता है उसको अपने पास अपने रख लेते हैं। तो प्रमुख जो बंदरगाह है निर्यात की दृष्टि से वो है विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाहों के द्वारा क्या है कि लौह अयस्क का निर्यात अन्य देशों में आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। अब बात आती है कि जो ये प्रमुख लौह अयस्क है भारत में हेमेटाइट का, इसका जो निर्यात है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से देशों में किया जाता है। तो प्रमुख जो इसमें देश सम्मिलित है वो है जापान, और जापान के आसपास के जो देश हैं उन्हें प्रमुख रूप से क्या है कि हेमेटाइट किस्म के लौह है उसका निर्यात किया जाता है। बात करते हैं हम दूसरे राज्य भारत के कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य की स्थिति के बारे में इस बारे में बात करेंगे कितने प्रतिशत है वो देश के उत्पादन में क्या है कि लौह अयस्क का योगदान है ये कर्नाटक राज्य देता है। गहना प्रमुख रूप से कर्नाटक राज्य से जो उत्पादन होता है लौह अयस्क का उसका देश में जो योगदान है वो है 26% योगदान। कितना है? 26% योगदान है वो कर्नाटक राज्य का भारत में है। किसकी दृष्टि से? लौह अयस्क की दृष्टि से। अब बात आती है कर्नाटक में कौन सा लौह अयस्क है वो पाया जाता है प्रमुख रूप से। ध्यान रखना प्रमुख रूप से जो हेमेटाइट लौह अयस्क है उसके भंडार है वो कर्नाटक में अधिक देखने को मिलते हैं। अधिक मात्रा में ये हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क इसमें पाया जाता है। बात आती है कि कौन कौन से कर्नाटक के ऐसे राज्य हैं जो इसके जिले के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख रूप से चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, तुमकुर, शिमोगा, ये जो जिले हैं कर्नाटक के, यहाँ प्रमुख रूप से क्या है हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। और उसको हम प्राप्त किसके द्वारा करते हैं? खानों के द्वारा, जो चट्टाने वगैरह बन जाती है इसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं हमें कि लौह अयस्क को शुद्ध करने का कार्य है। लौह अयस्क हमें प्रारंभ में क्या शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता, इसको बाद में शुद्ध किया जाता है। इसकी मिट्टी है या अन्य जुड़े हुए जो खनिज तत्व हैं इसको इससे अलग किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है कि अपन को सही तरीके से क्या है कि शुद्ध लोहा प्राप्त हो सके। इसका जो शोधन कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है ये भद्रावती और विजयनगर में किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लौह अयस्क को कर्नाटक में जो शुद्ध करने की जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? प्रमुख रूप से भद्रावती और विजयनगर है, ये लोहे को शुद्ध करने के प्रमुख शोधन स्थान बताए गए हैं। बात आती है छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत लोहे है वो उत्पादन होता है या उसकी खाने वगैरह पाई जाती है। गहना देश के उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ का योगदान है वो है 20% योगदान है देश के कुल उत्पादन के लोहे का। बात आती है कि जो छत्तीसगढ़ है उसमें प्रमुख रूप से कौन सा लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में भी क्या है कि जो हेमेटाइट लौह अयस्क है इसके भंडार है वो छत्तीसगढ़ में अधिक मिलते हैं। तो अभी तक हम तीनों राज्यों की बात करें, तीनों राज्यों में प्रमुख से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि हेमेटाइट जो किस्म का जो लौह अयस्क है भारत में ये प्रमुख से इन तीनों राज्यों में अधिक मात्रा में और शुद्ध मात्रा में मिलता है। बात आती है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राज्य हैं वहां पे हेमेटाइट किस्म की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनंदगांव, ये प्रमुख ऐसे स्थान है छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां पे इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और वहां जो लोग हैं इसके आसपास के वो इन रोजगार से जुड़े हुए हैं और रोजगार से जुड़े होने के कारण क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी क्या है सुधार हुआ है। जहां लोगों को पहले रोजगार नहीं मिल रहा था वहां इन उद्योगों की स्थापना होने के कारण क्या है लोगों को समय समय पे पर्याप्त कार्य मिल रहा है। पर्याप्त कार्य मिलने के साथ क्या है अच्छा वेतन उनको मिल रहा है, उनकी आजीविका है, इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी इसके साथ हो रही है उद्योग के रूप में कार्य मिलने का। बात आती है कि जो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का जो शोधन कार्य है यानी लोहे को शुद्ध करने का जो कार्य है उसकी अशुद्धता को दूर करने का जो कार्य है प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है? तो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में जो भिलाई नामक स्थान है छत्तीसगढ़ में वहां इसके शोधन कार्य भी किया जाता है। किसको? लौह अयस्क का। बात आती है कि प्रमुख रूप से ऐसे कौन से स्थान है कि जिसके द्वारा अपना जो निर्यात है लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ से किया जाता है। प्रमुख ध्यान रखना कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, बंदरगाह ऐसा स्थान होता है जो तट यानी किनारे वाला स्थान होता है जहाँ क्या है कि बड़े बड़े नावों को बड़े बड़े जहाजों को बांधा जाता है और जब उनमें माल की ढुलाई हो जाती है माल को भर दिया जाता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने जाने का बाद में कार्य किया जाता है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उससे क्या है
कि जब माल ढुलाई हो जाती है, माल पूरा इकट्ठा कर दिया जाता है, उसकी पूरी लोडिंग वगैरह कर दी जाती है, तो जो निर्यात के लिए लोहा है वो कहाँ पहुंचाया जाता है? प्रमुख रूप से जापान को जो भारत का लोहा है प्रमुख रूप से निर्यात किया आता है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी जो लोहा ऐसा खान है, सबसे बड़ी जो लोहा ऐसा खान है वो कौन से स्थान पे जाना? प्रमुख रूप से जो बेलाडिया है छत्तीसगढ़ में, वहां लोहा ऐसा की सबसे बड़ी खान है और सबसे अधिक लोगों को ये रोजगार दे रही है, और सबसे अधिक लोहे का जो कार्य है लोहे ऐसा का कार्य प्रमुख से इसमें किया जाता है। कहाँ पे? बेलाडिया छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं अपन अन्य राज्य की भारत के, कि वो है गोवा। गोवा में देश के कुल लौह अयस्क का कितने प्रतिशत योगदान है वो भारत में रहता है? तो ध्यान रखना, देश के उत्पादन में जो योगदान है इसका वो है 11% योगदान है वो गोवा के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि कौन से जो लौह अयस्क है वो गोवा में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो गोवा में दो प्रकार के लौह अयस्क है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन कौन से है वो प्रमुख रूप से लिमोनाइट है, और जो सिडेराइट लोहे के जो अयस्क हैं वो प्रमुख रूप से गोवा में पाए जाते हैं। बात आती है अब कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं गोवा के जहाँ पे क्या है कि ये पाए जाते हैं सिडेनाइट और साथ में लिमोनाइट। तो पिरना, आंदोल, पेला, सीरी गोवा, दलदल, उदेम, सुरला, ये प्रमुख स्थान हैं गोवा के जहाँ पे लोहा ऐसा पाया जाता है। अब बात करते हैं कि मारन गोवा जो बंदरगाह है उससे क्या है कि इस लौह अयस्क का निर्यात दूसरे आवश्यक देशों में जहां इसकी मात्रा की आवश्यकता है वहां इसका निर्यात किया जाता है, वहां इसको पहुंचाया जाता है। हमने लोहे के बारे में बात की कि जो प्रमुख चार राज्य हैं या प्रमुख ते क्या है कि लोहे उत्पादन का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है, लोहे की मात्रा भी क्या है यहाँ अधिक प्राप्त होती है, और जो लोहे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में जो लोहे हमारे पास बच जाता है उस लोहे का हम क्या करते हैं कि अन्य देशों में आवश्यकताओं के आधार पे उस लोहे को हमें बेच देते हैं। और एक ही स्थान से भेजा जाता है, बंदरगाह वगैरह स्थान है, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे मारम गोवा स्थान हो, वहां से क्या है इस लोहे ऐसे का जापान है उसके अन्य आसपास के जो देश है वहां इसको भेज दिया जाता है और वहां की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसके साथ क्या है, इसके बदले हमें क्या मिलता है कि आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त अपने देश को होता है। अब बात करते हैं हमें आगे दूसरा जो अपना प्रमुख खनिज है उसके बारे में। दूसरा जो प्रमुख अपना खनिज है वो है तांबा। कौन सा है? तांबा। अब तांबा है भारत के कौन से राज्यों में, कौन से क्षेत्र में, कौन सी श्रृंखला में सबसे अधिक पाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो तांबा है वो प्रमुख रूप से उसके क्षेत्र है वो भारत में धारवाड़ जो कर्नाटक में है, साथ में अरावली श्रृंखला में क्या है कि तांबे की विशेषता, तांबे का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलता है। बात करते हैं कि तांबे की जो उत्पत्ति है किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा तांबे का निर्माण होता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है कायंत्रिक चट्टानों की। कायंत्रिक चट्टानों में सल्फाइड व चालका पाइराइट ऐसा है उसके कारण क्या है कि तांबे का निर्माण होता है, इसका जो मिश्रण है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, तांबे का निर्माण होता है। बात करते हैं कि जो ये कायंत्रिक चट्टाने हैं इनका जो निर्माण है किस स्थिति कारण होता है, ऐसा क्या होता है कि अपना रूप ग्रहण करती है और इसके द्वारा बाद में क्या है किसका निर्माण होता है, तांबे का उत्पन्न होता है, तांबे का निर्माण होता है, और बाद में इसको शुद्ध करने का कार्य अलग से किया जाता है। जो अन्य खनिज है तो इससे जुड़े हुए उनको अलग कर दिया जाता है और शुद्ध मात्रा में क्या तांबे को प्राप्त किया जाता है। तो बात करते हैं कायंत्रिक चट्टानों की। आग्नेय व औषधि चट्टानों में ताप व दाब के कारण परिवर्तन हो जाने से, जब आग्नेय और औषधि चट्टाने हैं उनमें जब ताप अधिक बढ़ जाता है और दाब की मात्रा अधिक होती है उसके कारण जब परिवर्तन हो जाता है तो हमारी जो चट्टाने हैं कायंत्रिक चट्टाने इनका निर्माण होता है, और इनके निर्माण होने के साथ क्या है कि इससे हम क्या है क्या प्राप्त कर सकते हैं, तांबे को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इन चट्टानों का विशेष रूप से खनिजों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात आती है कि तांबे का जो उपयोग है वो प्रमुख तक किन किन कार्यों में किया जाता है, किन किन चीजों को बनाने में किया जाता है, तो प्रमुख रूप से जो तांबे के जो उपयोग है वो प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि विद्युत, बेतार, बर्तन और मशीनी उद्योगों में किया जाता है। प्रमुख रूप से जो तांबे का उपयोग है वो विद्युत से संबंधित जो तार है उनको बनाने में, रेडियो बनाने में, या क्या है तांबे के बर्तन भी क्या है बनाए जाते हैं जिनका उपयोग है वो शुद्धता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और साथ में क्या है कि तांबे से जुड़े हुए उद्योग भी बहुत सारे हैं जो अलग अलग प्रकार की क्या है कि वस्तुओं का निर्माण करते हैं लोगों की आवश्यकताओं के आधार पे। तो इस प्रकार क्या है कि उद्योगों का निर्माण भी तांबे कारण हुआ, और उन उद्योगों में क्या है कि पर्याप्त रूप से लोगों को क्या है रोजगार मिलता है और उनकी आजीविका का प्रमुख रूप से साधन है एक प्रकार से उद्योगों में उनको मिला है। बात आती है कि तांबे में धातु की मात्रा बहुत कम होती है,
तांबे में जो धातु है, अन्य धातु है, उनकी मात्रा कम होती है, जिस कारण क्या है, शुद्ध रूप से हमें क्या है तांबा मिलता है, उसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है, अन्य बर्तनों वगैरह में, उद्योगों में, मशीनों में, या बिजली के कार्यों में, बिजली के तारों में, और जो रेडियो वगैरह बनते हैं बेतार वाले, उनमें भी क्या है तांबे का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तांबा है वो महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्व रखता है भारत में। बात करते हैं कि तांबे के जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख राज्य हैं, जहाँ इनका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, वो कौन से प्रमुख राज्य हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, ये तांबे उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रमुख स्थान रखते हैं, और अधिकतर जो मात्रा प्राप्त होती है तांबे की, वो प्रमुख रूप से इन्हीं राज्यों से हमें प्राप्त होती है। बात आती है कि राजस्थान में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो तांबे के क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका, विशेष कार्य करते हैं। तो यहाँ प्रमुख रूप से अलवर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, ये राजस्थान के प्रमुख चार जिले हैं जहाँ तांबे से संबंधित कार्य किया जाता है, तांबे का अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। बात आती है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी खाने हैं वो तांबे की प्रसिद्ध रही है। धरना प्रमुख रूप से जो मध्य प्रदेश में खाने हैं वो प्रसिद्ध खाने हैं, वो कौन कौन सी है, कोलीहान और मंदान खान है, वो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से देश में प्रसिद्ध खाने रही है। बात करते हैं हम दूसरे राज्य झारखंड की, यहाँ भी क्या है, दो खाने हैं जो प्रसिद्ध रही है, किसकी दृष्टि से, तांबे की दृष्टि से। पहली जो खान है वो है मासाबानी और दूसरी खान है राखा खानी, जो तांबे की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। अब बात करते हैं तांबे की कुछ विशेषताओं की, विशेष प्रमुख रूप से इसके एक विशेष कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में तांबे संबंधी वस्तुओं का क्या है निर्माण करती है, और अलग अलग क्षेत्रों में उसका क्या करती है, निर्यात करती है। बात करते हैं कौन सी कंपनी है वो, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये एक राज्य से नहीं जुड़ी हुई, बहुत सारे राज्यों से जुड़ी हुई है, और अपने आवश्यकताओं के आधार पर, लोगों की जरूरतों के आधार पर ये वस्तुओं का निर्माण करती है, और लोगों को आवश्यक वस्तुएं तांबे की उपलब्ध करवाती है। तो इसका जो नेटवर्क है, इसका जो जाल है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, ये काफ़ी विस्तृत है। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्यों से जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये कंपनी जुड़ी हुई है। तो प्रमुख रूप से राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन पांच राज्यों में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसका जाल बिछा हुआ है, और ये प्रमुख रूप से काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रही है, और धीरे धीरे इसका विस्तार और अधिक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बात करते हैं बॉक्साइट की दृष्टि से, ये अपना अन्य खनिज प्रमुख रूप में जो खनिज आता है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से प्रमुख रूप से किन चीज़ों का निर्माण होता है, कौन कौन से इसके प्रमुख राज्य है, और जो इसमें अपने पास जो शेष बच जाता है उसका कौन से क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है, इसके बारे में प्रमुख रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो बात यह है कि एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट है उसका किस रूप में बनाने में काम किया जाता है ना, प्रमुख रूप से एल्यूमिनियम बनाने में क्या है, बॉक्साइट खनिज है उसका प्रमुख रूप से काम में लिया जाता है। बात आती है कि इस एल्यूमिनियम से प्रमुख रूप से कौन से जो उद्योग है या कौन से जो कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं, तो जो विद्युत से संबंधित जो कार्य हैं वो एल्यूमिनियम से किए जाते हैं, और इसके द्वारा क्या है, एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योगों की स्थापना भी समय समय पर की जा रही है, जिसके कारण क्या बिजली आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, और नई नई मशीनों का निर्माण भी किया जाता है, जिनमें क्या है कि एल्यूमिनियम के जो धातु है, तार है, छड़ है, इनका उपयोग प्रमुख रूप से मात्रा में वहाँ पे किया जाता है। बात आती है कि बॉक्साइट है वो प्रमुख रूप से कहाँ से भारत में प्राप्त होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य स्थान कौन से हैं, इसके प्रमुख स्थान कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख रूप से जो धारवाड़ है कर्नाटक में, और विंध्याचल जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ से प्रमुख रूप से क्या है, बॉक्साइट प्राप्त होता है, और बॉक्साइट प्राप्त होने के बाद में इसको अन्य चीज़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और एल्यूमिनियम के रूप में इसका प्रमुखतः उपयोग किया जाता है भारत में और अन्य देशों में। बात आती है कि बॉक्साइट की दृष्टि से जो भारत का स्थान है विश्व में वो कौन सा है, तो धारणा बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है पाँचवा स्थान। कौन सा स्थान है, पाँचवा, भारत से कुछ दस अन्य है जो चार है वो काफ़ी आगे, भारत का स्थान जो आता है अग्रणी राज्यों में पाँचवा स्थान आता है। बात करते हैं अपने कि जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं बॉक्साइट के प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं भारत में, तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, ये भारत में बॉक्साइट की दृष्टि से प्रमुख स्थान विशेष महत्व अपना रखते हैं। बात आती है निर्यात की दृष्टि से कि एल्यूमिनियम जो अपने पास शेष बच जाता है उस एल्यूमिनियम का बाद में किस दृष्टि से उपयोग किया जाता है, कहाँ इसका निर्यात किया जाता है, प्रमुख रूप से क्या है, दो स्थान ऐसे हैं जहाँ एल्यूमिनियम का क्या है
कि ट्रांसपोर्टमेंट का कार्य किया जाता है, यानी निर्यात का कार्य किया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो यूरोपियन देश है वहाँ क्या है कि इस एल्यूमिनियम को पहुंचाया जाता है, इस बॉक्साइट को पहुंचाया जाता है। तो प्रमुख रूप से यूरोपियन देश कौन कौन से हैं ध्यान रखना, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस, ये प्रमुख क्या यूरोपियन देश है जहाँ एल्यूमिनियम को बॉक्साइट को आवश्यकता के आधार पर पहुंचाया जाता है। दूसरा जो आता है वो अपना आते हैं खाड़ी देश। खाड़ी देश है वहां पे भी क्या है कि एल्यूमिनियम को बॉक्साइट को पहुंचाया जाता है। तो प्रमुख रूप से कौन कौन से देश है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, ऑस्ट्रेलिया। दो अन्य प्रमुख जो देश हैं, यानी अपन बात करते हैं वो फैली दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका आता है, द्वितीय स्थान किसका आता है, तृतीय स्थान किसका आता है। धन्यवाद। प्रमुख जो अग्रणी राज्य है, देश है बॉक्साइट दृष्टि से, वो है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन। ये क्या है बॉक्साइट की दृष्टि से क्या है प्रमुख स्थान है, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जो चीन है, ये प्रमुख रूप से बॉक्साइट दृष्टि से प्रमुख स्थान रखते हैं। और इसके साथ ही क्या है कि भारत में जो एल्यूमिनियम का निर्माण होता है, बॉक्साइट जो प्राप्त होता है, उसका अन्य देशों में निर्यात भी किया जाता है। कौन कौन से देशों में, प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों में और खाड़ी देशों में क्या है कि तांबे की जो एल्यूमिनियम की जो आवश्यकता है, बॉक्साइट जो आवश्यकता है, उसको पूरा प्रमुख रूप से किया जाता है।